कर रही हूँ क्या बनाने के लिए, डालगोना कॉफी बनाने के लिए। डालगोना कॉफी आपको अच्छी लगती है ना, डालगोना कॉफी अच्छी लगती है। आज कितने दिनों बाद में बना रही हूँ पता भी हूँ क्या है? सिप में भी बनाते थे हम। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जब हम मेरठ में थे, जब आपके फूफा जी आए थे, बुआ जी फूफा जी, तब बनाई थी ना मैंने। हाँ। याद है आपको? याद है। ये देखो इधर दिखाओ, दिख रही है? दिख रही है। चलो मैं इसको फेंट लेती हूँ। ओके ओके, मैं तो थक के हार गई हूँ। अभी यहाँ पे वर्मा जी हैं, बड़े कप में ये करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले मैं कर रही थी और अभी वर्मा जी ने स्टार्ट किया है, तो ये लगे हुए हैं काम पे और बनने वाली है डालगोना। तो मेरी यहाँ पे डलगोना कॉफ़ी बन चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी कॉफ़ी इन्जॉय करने। आप लोग भी मेरे साथ पे डलगोना कॉफ़ी इन्जॉय करिए। और चलिए फिर मैं इसके बाद आपको कल मिलती हूँ, रात हो चुकी है, मिलूँगी कल। बाय बाय। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने सोफ़े को अरेंज करने के लिए, थोड़ा डस्टिंग करने के लिए। दो चार दिन हो गए हैं डस्टिंग अच्छे से हुई नहीं है। और पीहू यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो अपने बॉक्स से खिलौने निकाल के अरेंज कर रही हैं और कुछ निकालती है कुछ रखती है, इस तरह से वो अपना मतलब प्ले करती रहती है, खेलती रहती है। और यहाँ पे उसने ब्लॉक्स निकाला है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वही वो यहाँ पे खेल रही थी। तो बस मैंने थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट किया है बनाना। सो गाइस, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। काफी दिन हो गए हैं डस्टिंग वगैरह कुछ हुई नहीं है, सो मैंने सोचा आज टाइम है तो चलो डस्टिंग ही कर लेते हैं। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एवरटीन का वन स्टेप रैपिड प्रेगनेंसी टेस्ट का रिव्यू। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे इस किट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, आपको एहसास होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो आप इस किट के थ्रू देख सकती हैं, जान सकती हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने इस एवरटीन के वन स्टेप रैपिड प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। पैकेजिंग आप देख सकती हैं, ये इंडिविजुअल पैकेजिंग में आता है, 70 रुपीज़ इसका प्राइस है और ये प्लास्टिक की रैपर में इस तरह से आता है। तो अंदर जब हम इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि अंदर एक इस तरह का किट है जिसमें कि आप अपना जो मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन होता है वो आप ये जो सर एस लिखा है यहाँ पे, आप जब इस ड्रॉपर के थ्रू डालेंगे तो आपकी जो इसमें लाइन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर इसमें फर्स्ट लाइन आती है, एक लाइन आती है, एक ही मिनट में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो अगर सिर्फ एक लाइन आती है इसका मतलब कि आप नेगेटिव हैं, और अगर वो लाइन धीरे धीरे चलते हुए दो लाइन की तरफ बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव हैं। जी हाँ, आपके पास गुड न्यूज़ आने वाली है, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है, नन्ना मुन्ना सा कोई एक बच्चा आने वाला है। तो
है ना, कितना इजी और सिंपल अपने घर पर सिर्फ़ एक स्किट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा सिंपल इजी तरीका है। तो अगर आप भी एक्सपेक्टिंग हैं और आप घर बैठे चेक करना चाहते हैं तो आप ये किट परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउ टू यूज़, बस बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी लाइन नहीं आती है, इसका मतलब है इसमें वैलिड, ये जो टेस्ट है इनवैलिड है। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। सो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जरूर। सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज मैंने डस्टिंग वगैरह सब कुछ की है, थोड़ा सा घर क्लीन किया है। इस तरह से थोड़ा मैं 10-15 दिन में करती रहती हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है। और अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ डिनर में, क्या खाया जाए, क्या बनाया जाए, कुछ अच्छा सा खाने को मन हो रहा है। सो देखते हैं क्या बनाती हूँ, अभी कुछ प्लान नहीं किया है मैंने। देखती हूँ, किचन में जाऊँगी, देखूँगी और फिर उसी हिसाब से बनाऊंगी। अभी तो वर्मा जी आए नहीं। दिया अपने डैडी को गुड इवनिंग, क्या हाल है आपके, मजे में? तो मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए, मतलब डिनर बनाने के लिए। और आप सोच रहे होंगे, कह तो रही थी कुछ चटपटा अच्छा खाने का मन हो रहा है, रोटी बना रही है। नहीं नहीं रोटी बना रही हूँ, बट इसमें कुछ अच्छा सा करने वाली हूँ। आज मैं सोच रही हूँ फ्रेश वेज रैप बनाती हूँ घर पर ही। तो इसके लिए मैंने रोटियाँ बना ली हैं और अब मैं यहाँ पर स्टफिंग करूँगी। स्टफिंग में देखिए, आपके पास जो वेजिटेबल हो वो आप रख लीजिए। मैंने क्या लिया है, कैबेज है, कैप्सिकम है, पनीर है और चटनी है, सॉस है, सेज़वान सॉस, जो भी आपके पास सॉस हो वो सब रख लीजिए। और फिर एक एक लेयर करके देखिए, इस तरह से मैंने रोटी पहले बीच में कट कर दी है। मायो लगा दीजिए, चीज़ लगा दीजिए, जो भी सब्जियां, जितनी भी सब्जियां, जो भी सॉस लगाना चाहें आप सब लगा दीजिए, ठीक है। और फिर इस पर मैंने चिली फ्लेक्स थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं, थोड़े से फ्रेश हर्ब्स जो होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और इसको इस तरह से हमको रैप करना है, क्योंकि मैंने बीच से कट करी थी रोटी और इधर सॉस लगा हुआ है, मायो लगा है, तो ये रोटी चिपक जाएगी। उसके बाद ये जो टोस्टर है ना, अगर आपके पास टोस्टर नहीं है, ग्रिलर है, तवा, उस पर रख दीजिए देसी घी डाल करके और इसको अच्छे से सेक लीजिए। तो इसमें जो ये अभी लाइंस बनेंगी ना, वो बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत अच्छी हो जाती है। गरमा गरम एकदम फ्रेश रैप है, वेज रैप है। आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी रख सकते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं तो हमने यहाँ पे मैंने वेज ही डाला है, रखा है। और बस इसको हम अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। और नहीं है ग्रिलर या तवा, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो घर के नॉर्मल तवे पे भी आप इसको कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी जो वेज रैप है वो बिल्कुल तैयार है। चलिए गर्मा गर्म इन्जॉय करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज, हम लोगों का डिनर हो गया है और बहुत टेस्टी वेज रैप बने थे। ऐसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें मैगी भी डाला था तो बहुत टेस्टी लग रहा था। सो गाइज, अभी हम लोगों का डिनर हो गया है। आज डिनर में मैंने आपको दिखाया, मैंने बनाया था वेज रैप। तो वर्मा जी से पूछते हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया खाते पीते टाइम, तो पूछते हैं वर्मा जी से कैसा था वेज रैप। वेज रैप एकदम मजेदार था। मजेदार था ना, बढ़िया। यस यस यस। तो हो गया है डिनर और अब बस बैठे हैं और थोड़ा देर वॉक करने चलेंगे। हाँ, अभी वॉक करने चलेंगे। आजकल मैं भी वॉक कर रही हूँ, सुबह भी मैं वॉक करने जाती हूँ, कभी मौका मिलेगा तो रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन अभी तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है। आजकल पतले होने का शौक चढ़ा हुआ है। हाँ, वैसे लोग पूछते हैं मेरी हेल्थ का क्या राज है, मैं क्या करती हूँ, तो पूछते हैं मुझसे ये चीज, यानी कि मैं पतली दिखती होंगी ना। मतलब ही नहीं। क्यों नहीं मतलब है,
क्यों नहीं, मतलब तू मुझी से टिप्स लेती रहती है उसकी। ओह सही है, मुझसे टिप्स लेती है इसलिए पतली है। हाँ बढ़िया, बताओ लेटेस्ट टिप्स तुम्हें क्या दी। क्या दी है, कौन सी टिप्स दी? देखो टिप्स इन्हें मैं ही करता हूँ, अब करना इनके ऊपर है। तो कर लेती हैं तो ये फिट रहती हैं इसी वजह से। लेकिन आजकल मेरे व्यूज नहीं आते हैं यार, व्यूज का बड़ा लफड़ा चल रहा है। आने चाहिए यार, ये इतने व्लॉग अच्छे बनाती हैं, आप जो है इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इनको इनके चैनल्स को, इनके चैनल को थोड़ा और देखिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तो व्यूज किसके ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कौन लोग ज्यादा चल रहे हैं आजकल यूट्यूब में? आजकल ट्रेंड में चल रहा है या तो ससुराल जाओ या मायके जाओ, या फिर लेडी प्रेग्नेंट हो रही हैं उनके व्यूज चल रहे हैं, या फिर एक एक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक चल रहा है, लोग अपने पतियों की दूसरी शादी कर दूसरी शादी पति की। हाँ दूसरी शादी पति की, सब बीवियां वो किधर जाएंगी, वो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगी, उसके साथ साथ में रहो और शादी। हाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं नाम तो यहाँ नहीं लूंगी, लेकिन हैं बहुत सारी बीवियां जो अपने पतियों की दूसरी शादी करवा रही हैं। एक दिन और ऐसी मेरी इनसे बात हो रही थी, मैंने इनको बोला कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, इन्होंने पूछा आजकल कैसे वीडियोस चल रहे हैं, तो मैंने बताया इनको आजकल ट्रेंड में क्या क्या चल रहा है, तो ये बोलते हैं कि ठीक है फिर तुम भी करा दो अपने पति की दूसरी शादी। तो मतलब ये दूसरी शादी करने को तैयार है व्यूज के लिए। अरे मुझे लगा दूसरी शादी मतलब जैसे 10 ईयरली 15 ईयरली आपस में शादी करते हैं, दूसरा तो मैं उस लिए बोल रहा था कि चलो दूसरी शादी मतलब एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में करते हैं सेलिब्रेशन, वरमाला करते हैं और ये सब करते हैं, वो मैं उस लिए सोच रहा था, ऐसे थोड़े ना यार। नहीं मुझे लगा कि आप तैयार हैं दूसरी शादी करने को। अरे तुम तो तुम तैयार हो लग रहा है ऐसे मेरी कराने को। मैं तो बड़ा कर, कोई देखे तो छूके तो देखे फिर बताओ। ये तो पूरा एकदम राशन पानी लेके चल रखी है मेरे ऊपर। चलो भाई ठीक है। तो व्यूज पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे ये तो पता नहीं। ठीक है चलो भाई अब इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, आप चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, है ना। यस यस टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, पियू गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।